तो देखिए हर दिन के साथ में रोचक होती जा रही है सियासत। बीजेपी में टिकटों को लेकर एक तबके का विरोध सिलसिला जारी है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने विधायक नरपत सिंह राजवी से मुलाकात की, तब नरपत सिंह राजवी ने बयान जारी किया, अब तक मीडिया में नहीं दिया कोई वक्तव्य। नरपत सिंह राजवी से मुलाकात जब अरुण सिंह की रही उसके बाद उन्होंने कहा कि मीडिया में अब तक कोई वक्तव्य नहीं दिया, लेकिन वाकई में अगर इस नजरिए से देखने की कोशिश करें कि उनके मन को ठेस पहुंची है टिकट कटने के जरिए, तो वो उसमें कोई गलत बात नहीं है, वाकई में पहुंची है और इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला तो जारी है। और वहीं रोचक होती सियासत, बीजेपी ने टिकटों को लेकर एक तबके का विरोध का सिलसिला जारी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने विधायक नरपत सिंह राजवी से मुलाकात की, तब नरपत सिंह राजवी ने जारी किया बयान और कहा कि अब तक मीडिया में कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। दरअसल जिस तरीके से दिया कुमारी को विद्याधर नगर से विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया, ये सीट है नरपत सिंह राजवी की सीट और वो भैरव सिंह शेखावत की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। एक राष्ट्रीय अखबार में खबर छपी जिसमें दिया कुमारी पर टिप्पणी की गई और उसमें नरपत सिंह राजवी का जिक्र किया गया। उसी का खंडन यहां नरपत सिंह राजवी ने किया और कहा कि उन्होंने अभी तक किसी मीडिया से बातचीत नहीं की है। उन्होंने जो लिखा है वो जरा देखिए, उन्होंने जो लेटर जारी किया है उसको जरा पढ़िए, उस पर क्या लिखा हुआ है, उस पर बाकायदा स्पष्टीकरण लिखा गया है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब प्रभारी अरुण सिंह नरपत सिंह राजवी से मुलाकात करने पहुंचे, क्योंकि उस मीडिया के जरिए ये भी कहा गया था कि महासचिव चंद्रशेखर से भी एक महीने से मिलने का वक्त मांगा गया है, लेकिन पता नहीं वो कहां बिजी है।